मध्य प्रदेश में आज मोहन यादव की सरकार के मंत्रिमंडल का कल विस्तार हो गया और भोपाल में आयोजित हुए इस कार्यक्रम में कल कुल 28 विधायकों ने मंत्री पद की शपथ ली। आपको बता दें कि कैबिनेट मंत्रियों का नाम फाइनल करने के लिए सीएम मोहन यादव ने 3 बार दिल्ली का दौरा किया था। ये भी बता दें कि कुल 28 विधायकों ने मंत्रिमंडल की शपथ ले ली और कुल 18 नेताओं ने कैबिनेट मंत्री, 6 नेताओं ने राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार और 4 नेताओं ने राज्य मंत्री के पद की शपथ कर ली। मध्य प्रदेश में मोहन यादव मंत्रिमंडल की शपथ के बाद अब लोग ये जानना चाहते हैं कि उनके कैबिनेट की खासियत क्या है। तो आपको बता दें कि राज्यपाल मंगूभाई पटेल ने कुल 28 मंत्रियों को पद और गोपनीयता की शपथ कल दिलाई। इनमें से कितने करोड़पति हैं, कितने किसान हैं, इस कैबिनेट में कितने युवा और कितने उम्रदराज हैं, आइए इस पर बात करते हैं। मुख्यमंत्री मोहन यादव की नई कैबिनेट की औसत उम्र 57 साल 9 महीने से ज़्यादा है, यानी 60 साल से कम। राज्य मंत्री बनाई गई 35 साल की प्रतिमा बागरी कैबिनेट की सबसे युवा मंत्री हैं। 68 साल के करण सिंह वर्मा कैबिनेट के सबसे उम्रदराज मंत्री हैं। वहीं 5 मंत्रियों की उम्र 50 साल या उससे कम है। 14 मंत्रियों की उम्र 51 से 60 साल के बीच की है। वहीं 13 मंत्री ऐसे हैं जिनकी उम्र 61 साल या उससे अधिक है। सबसे युवा मंत्री प्रतिमा बागरी समेत 5 मंत्री ऐसे हैं जिनकी उम्र 50 साल से कम है और इनमें 45-45 साल के नागर सिंह चौहान और धर्मेंद्र भाव सिंह लोधी, 46 साल के दिलीप अहिरवार और 48 साल की राधा सिंह भी शामिल हैं। मुख्यमंत्री समेत 13 मंत्रियों की उम्र 51 से 60 साल के बीच है और इनमें कैबिनेट मंत्री विश्वास सारंग आते हैं, नरेंद्र शिवाजी पटेल आते हैं, प्रद्युम्न सिंह तोमर, संपतिया उइके, निर्मला भूरिया, कृष्णा गौर, राकेश शुक्ला, डॉक्टर मोहन यादव, राजेंद्र शुक्ला, कुंवर विजय शाह, उदय प्रताप सिंह, इंद्र सिंह परमार और गौतम टेटवाल शामिल हैं। 68 साल के करण सिंह वर्मा नई कैबिनेट के सबसे उम्रदराज मंत्री हैं। कैलाश विजयवर्गीय समेत 4 मंत्रियों की उम्र 67 साल है। इनमें तुलसीराम सिलावट, नारायण सिंह कुशवाहा और लखन पटेल भी शामिल हैं। कुल 13 मंत्रियों की उम्र 61 साल या उससे ज़्यादा है। इनमें 66 साल के उप मुख्यमंत्री जगदीश देवड़ा, नारायण सिंह पवार, 64 साल के चैतन्य कश्यप, 63 साल के प्रहलाद सिंह पटेल और एदल सिंह कसाना, ये 62 साल के गोविंद सिंह राजपूत और दिलीप जायसवाल और 61 साल के राकेश सिंह शामिल हैं। मोहन यादव की नई कैबिनेट में केवल 1 मंत्री ऐसे हैं जो कि करोड़पति नहीं हैं। तो सारंगपुर सुरक्षित सीट से जीते गौतम टेटवाल ने अपने चुनावी हलफनामे में कुल संपत्ति 89,64,000 रुपए बताई है। टेटवाल कैबिनेट में सबसे कम संपत्ति वाले मंत्री बने हैं। उन्हें छोड़कर बाकी सभी मंत्रियों की बात करें तो सभी करोड़पति हैं। रतलाम शहर से जीते चैतन्य कश्यप कैबिनेट के सबसे अमीर मंत्री हैं। कश्यप के पास 296.8 करोड़ रुपए की संपत्ति है। कश्यप मध्य प्रदेश के सबसे अमीर विधायक भी हैं। कैबिनेट की औसत संपत्ति की बात करें तो हर मंत्री के पास औसतन 18.54 करोड़ रुपए की संपत्ति है। 13 मंत्री ऐसे हैं जिनके पास 1 से 5 करोड़ रुपए की संपत्ति है, जिनमें धर्मेंद्र भाव सिंह लोधी, नारायण सिंह कुशवाहा, राकेश शुक्ला, एदल सिंह कसाना, निर्मला भूरिया, दिलीप अहिरवार, करण सिंह वर्मा, नारायण सिंह पवार, प्रद्युम्न सिंह तोमर, राकेश सिंह, लखन सिंह पटेल, नागर सिंह चौहान और उप मुख्यमंत्री जगदीश देवड़ा शामिल हैं। 7 मंत्री कैबिनेट में ऐसे हैं जिनके पास 5 करोड़ से ज़्यादा और 10 करोड़ से कम की संपत्ति है। इनमें प्रतिमा बागरी, नरेंद्र शिवाजी पटेल, राधा सिंह, इंदर सिंह परमार, दिलीप जायसवाल, प्रहलाद सिंह पटेल और संपतिया उइके शामिल हैं। अब 10 मंत्री ऐसे हैं जिनके पास 10 करोड़ से ज़्यादा की संपत्ति है। इनमें कृष्णा गौर हैं, तुलसीराम सिलावट हैं, कैलाश विजयवर्गीय हैं, गोविंद सिंह राजपूत हैं, कुंवर विजय है, विश्वास सारंग, उदय प्रताप सिंह, राजेंद्र शुक्ला और मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के साथ चैतन्य कश्यप भी शामिल है। सबसे अमीर 3 मंत्रियों के बारे में भी आपको बताते हैं। इसमें चैतन्य कश्यप का नाम है, मुख्यमंत्री मोहन यादव और उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ला शामिल हैं। कश्यप के पास कुल 296.8 करोड़ की संपत्ति है। तो मुख्यमंत्री मोहन यादव की बात करें तो उनके पास 42.04 करोड़ रुपए की संपत्ति है, जबकि उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ला के पास 30.88 करोड़ रुपए की कुल संपत्ति है। मुख्यमंत्री मोहन यादव कैबिनेट में सबसे पढ़े लिखे मंत्री हैं, पीएचडी की डिग्री है उनके पास और सबसे कम शिक्षा प्राप्त मंत्री की अगर बात करें तो वो एदल सिंह कसाना हैं। कसाना 8वीं पास हैं। वहीं एक अन्य मंत्री दिलीप अहिरवार 10वीं पास हैं।
छह मंत्री कैबिनेट में ऐसे हैं जिन्होंने 12वीं तक की पढ़ाई की है। इनमें सबसे अमीर मंत्री चैतन्य कश्यप, नारायण सिंह कुशवाहा, करण सिंह वर्मा, नारायण सिंह पवार, प्रद्युम्न सिंह तोमर और दिलीप जायसवाल शामिल हैं। तो कैबिनेट के लोगों की शिक्षा, उनकी हैसियत और उम्र की बात करें तो उसके बारे में हमने आपको जानकारी दी। और अब ये कैबिनेट राज्य में कैसा काम करती है इस पर नजर बनी रहेगी। कैबिनेट के फैसलों के बारे में भी आपको अपडेट देंगे। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।